एक बंदा तो सुबह सुबह ही आ गया जिम में, बुला रहा है मगर हम मॉर्निंग में नहीं करेंगे, हम इवनिंग शाम को ही करेंगे यार। गर्मी इतनी है, मौसम बंद हो रहा है थोड़ा बारिश का, मगर पता नहीं बारिश आएगी नहीं आएगी। तो मिल के आते हैं, पता कहते क्या क्या कहते हैं, देखते हैं। आइए, सोता हुआ मिल रहा है। सो कैसे रहा तू? सो कैसे रहा तू? सोने का टाइम तेरा? ये क्या चक्कर है भाई, सुबह कैसे आ गया तू? भाई ट्राइसेप्स रह गई थी एक तो, है देखो ट्राइसेप्स रह गई थी, एक छुट्टी गई थी पहले, आज फिर छुट्टी कर लेता। अपन कह रहे यार दो दो छुट्टियाँ बड़ी कर रहा है, तो छुट्टियाँ क्यों कर रहा है? छुट्टी कर रहा है, दोस्त का बर्थडे है तो भाई शाम को जाना है, तो इसलिए कहा चलो मॉर्निंग में कर लो स्लाइस, इसलिए इवनिंग कैंसिल मॉर्निंग स्टार्ट हो। तो बर्थडे पार्टी जा रहा है? हाँ बर्थडे पार्टी। ओह माय गॉड, वाओ, और पार्टी है, पार्टी टाइम सही है भाई, बनाओ बर्थडे शर्टे। कल भी चिकन खा रहा है, आज भी चिकन खा रहा है। चिकन नहीं खाया भाई साहब, कल मंगलवार था, चिकन नहीं खाया था कल। वैसे वहाँ पे पार्टी में चिकन समझ के गए थे, लेकिन चिकन खाया नहीं था। विजय तो बोल रहा है, विजय तो विजय ने पूरे ब्लॉग में बोला भाई कल तुमने चिकन खाया है। नहीं कोई बात नहीं, वो उन्होंने बोला ना, उन्होंने ना देखा, बिना देखे अगर बोलते हो चाहे कुछ भी कर सकते हो, उस चीज में आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। उसने तो बोल दिया भाई तू चिकन खा गया, चिकन खाने गया मंगलवार को, पापी इंसान, पापी इंसान भैया। मैं मंगलवार को भी खाया नहीं मैंने, तो आज मंगलवार को आप कैसे खा सकता हूँ। हाँ बस ये है कि वहाँ पनीर वनीर की सब्जी उब्जी ली थोड़ी, और रोटी पे ऐसे टूर राजस्थानी की शादियों में भाई कभी भी राजस्थानियों के उसमें मत जाना, प्लेटें ऐसे हवा में उड़ रही होती हैं। क्या बोला तूने? प्लेटें खुद मांझनी पड़ती है वहाँ, उसके बाद खाना खाना पड़ता है। इतनी भीड़ है कि लालो के 2500 बंदे वहाँ पे ऐसे आ रखे थे घर से उठ के, जैसे दो दो शादी है तो दोनों शादी कम्प्लीट करनी है पूरे परिवार के साथ। कल जिस शादी में गया था वहाँ पे 2500 बंदे, और कह रहा प्लेटें खुद धोनी पड़ी, प्लेटें खुद धोनी पड़ी, और पनीर पनीर खाया भाई बंदे ने, चिकन नहीं खाया भाई। तो विजय भाई आपके हमेशा बड़ी गलत हुई, तो बंदे ने पनीर पनीर खाया, और पानी भी जो पानी के लिए ऐसे लाइन लग रही थी, पानी की बोतल बाहर से खरीद के पीनी पड़ी है। ले भाई पानी भी बाहर से पिया है बंदे ने भाई, और बताए इतनी गंदी लाइन लगी हुई थी, अब बता भाई। तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है इसके ऊपर, जल्दी बुला के हम खुद लेट आए हैं। क्या हो गया भाई, नींद पूरी नहीं खुली क्या? अरे जल्दी बुला के लेट खुदा रहा है मेरे को, जल्दी बुला लिया। वैसे कह रहा सो रहा है, मैं लगा थोड़ा लेट ही आएगा, चल आ जाओ बड़ोड़ा का। एक छोटा सा काम है, वहाँ जा रहे हैं, एक दोस्त को जरा बैग देना है, पीछे पड़ा हुआ है, मंगवाया हुआ था उसने, तो बैग देने जा रहे हैं जरा, हम मिलते हैं आपको रास्ते में। अरे यार दर्शन कराने थे पीर बाबा मंदिर, पीछे मंदिर पीर बाबा मंदिर चला गया, उसको दर्शन कराने थे आपको। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी करा दूंगा, स्पेशल आगे करवाऊंगा वो। यहाँ बेस हॉस्पिटल है, आर्मी हॉल होगा, दिल्ली कैंट रोड पे। अच्छा हॉस्पिटल है और जगह भी अच्छी है, आर्मी हॉल भी जगह है। ये आ गए हम पहाड़ों में जहाँ जंगल है, साथ में ट्रेन चल रही है, दिख रही हो आपको पहाड़ पेड़ों के बीच में से, अगर एक तो बाथरूम कर रहा हूँ आगे चलेगी ट्रेन लगता है ऐसे ऐसे पहाड़ों में, मगर ये दिल्ली कैंट का रास्ता है, आगे जाके तो अलग हुआ आएगा क्योंकि नहीं है ना, जंगल एरिया पूरा, ट्रेन फाटक तो पूरा जंगल जंगल सा है, सुनसान सा, रात को रोड लगता है यहाँ पे। ये देखो अंडर पास जंगल के, मैं वही कहूँ आज जाम नहीं मिला कहीं, और सोचते ही जाम मिल गया, बहुत अच्छी बात है, पूरे रास्ते से ही खुला खुला आया, मगर सोचते ही जाम मिल गया।
सोचा ही मत करो भाई, इससे बढ़िया कि ये होने वाला है वो होने वाला है, इससे बढ़िया सोचा ही मत, चलते जाओ। यार लेट हो गया बहुत, भूख लगी है, तो सब चिकन का ले लिया सामान, कोल्ड ड्रिंक ले ली, डाइट कोल्ड ड्रिंक ले ली, चिकन बर्गर ले लिया, चिकन एग रैप ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली। टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं कहा भूख ही लगी है, तो मैकडी से यहीं डाइट बना ली, डाइट गया जो मिला खा लिया, बस भूख लगी थी। चलो ब्लॉग को ये खत्म करते हैं, घर पहुंचे।